जब आपका उस इंसान से बात करने का बहुत ज़्यादा मन करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें जिससे हमको बहुत मन कर रहा है यार बात करने का, उसको कॉल करने का, उसे हाल चाल लेने का, उसको मैसेज करने का, बट ये चीज़ उसको नहीं कर रहा है, उस इंसान को नहीं मन कर रहा है कि वो भी आपसे बात करे, आपको कॉल करे, मैसेज करे। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका उस इंसान से बात करने का बहुत ज़्यादा मन करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। तो ये वीडियो ना बहुत कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत बार क्या होता है ना लाइफ में कि हमको ना बहुत सामने वाला इंसान से मन करता है बात करने का। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है ना, कोई दोस्त, कोई यार, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई फ्रेंड, कोई भी पर्सन, कोई भी खास इंसान जिससे हमको बहुत मन कर रहा है यार बात करने का, है ना, उसको कॉल करने का, उससे हाल चाल लेने का, उसको मैसेज करने का, बट ये चीज़ उसको नहीं कर रहा है, उस इंसान को नहीं मन कर रहा है कि वो भी आपसे बात करे, आपको कॉल करे, मैसेज करे। तो क्या हमको सामने वाला इंसान को कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो यार, यहाँ पे ना दो चीज़ है। पहला कि हमारी फीलिंग, हमारा जो दिल है ना, वो चाह रहा है कि हम उस इंसान से बात करते, बहुत अच्छा लगता है, उसको कॉल करते, मैसेज करते, वो इंसान भी हमसे बात करता या बात करती। ये तो आपकी तरफ से है, आपका जो बात करने का इंटेंसिटी है बहुत हाई है, मतलब बहुत मन कर रहा है उस इंसान से बात करने का। अब आप इस सिचुएशन में ना कुछ भी कर सकते हो। अगर वो इंसान आपको डांट भी देगा, आपको भला बुरा भी बोल देगा, आपको इग्नोर भी कर देगा, आपको मना भी कर देगा, फिर भी आप ना हंस के टाल दोगे, चलो कोई बात नहीं है, डांट दिया, डांट दी, लेकिन चलो बात कर लेते हैं। फिर भी आप उसको बोलोगे, अच्छा प्लीज़ थोड़ा सा बात कर लो, गुस्सा मत करो। नहीं यार, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये आपकी फीलिंग है, आपका दिल बोल रहा है, लेकिन दूसरा नंबर पर आता है दिमाग। प्रैक्टिकली सोचते हैं क्या ये अच्छा है या नहीं है। अगर एक दो बार ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर सामने वाला इंसान गुस्सा है, नाराज है, वो इंसान हमारे कोई बात से, हमारे कोई काम से अभी नाराज है, अभी गुस्सा है, सैड है, इसलिए ऐसा कर रहा है ना, ध्यान समझना, वो इंसान बुरा नहीं है, वो भी इंसान चाहता है आपसे बात करना, बट अभी गुस्सा है इसलिए वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है कुछ दिनों से, और आपका बहुत मन कर रहा है उसे बात करने का, आपका बहुत मन कर रहा है कॉल करने का, मैसेज करने का। तो यहाँ पे ना आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा वो गुस्साएगा भी, कुछ बोलेगा भी, तो सुन सकते हो। लेकिन अगर उस इंसान का कोई मन नहीं कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे बात नहीं करने से उसके लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसको आपका याद जरा सा भी नहीं आ रहा है, वो अपने लाइफ में मस्त है, आपसे बात होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस इंसान से ना किसी भी कीमत पे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना, है ना, हमारा जो आत्मसम्मान है उसको ना दांव पे लगाने वाली बात है। सामने वाला इंसान अगर गुस्सा है, नाराज है, तो उसको मना लेंगे, एक बार नहीं 100 बार कॉल करके, मैसेज करके, कांटेक्ट करके उसको मना लेंगे, उससे बात कर लेंगे, बात करेंगे। बट सामने वाला इंसान बदल गया, चेंज हो गया, वो इंसान हमसे बात करे या ना करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने लाइफ में मस्त है या किसी और के साथ मस्त है, इंगेज है, वो अपने लाइफ में इंजॉय कर रहा है, खुश है, वो आगे बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को कभी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी कॉल, कभी मैसेज, किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में, चाहे आपका कितना भी मन करे उस इंसान से बात करने का, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम नहीं करेंगे। लेकिन जो बदल गया उसके पास नहीं, हम उसको कॉल या मैसेज या कॉन्टैक्ट कभी नहीं करेंगे, हम उससे बात करना नहीं चाहेंगे, चाहे मेरा मन कितना भी करे, याद रखना इस बात को। क्योंकि वो इंसान आपके रिक्वेस्ट करने से, आपको बार बार कॉल करने से, मैसेज करने से, है ना, बार बार उसको परेशान करने से कि भाई आप बात करो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो आप, अगर वो थोड़ा सा बात कर भी लेना, तो वो ना एक प्रकार की ना भीख है, कड़वा लेकिन सच है, वो इंसान आपको भीख में वो दिया है कि हम लो तुम पे तरस खा गए, तुमको भीख दे रहे हैं, तुम पे रहम कर दे रहे हैं, तुमसे थोड़ा बात कर ले रहे हैं, वरना तुम नहीं जिंदा रह पाओगे, ये कड़वा लेकिन सच है यार। तो ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए, ऐसे में हमें किसी से नहीं बात करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बुरा लगेगा हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सामने वाला इंसान के सामने झुक के नहीं रहेंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त यार फ्रेंड उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। और जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है या वो इंसान किसी और के साथ ऐसा करता है, कोई भी इंसान आपका दोस्त यार फ्रेंड्स पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको आप फेस कर रहे हो, तो जाओ मेरे चैनल पे, वीडियो अवेलेबल है, उसको देखो, उससे जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।